शहनशाह, इसका नाम शहनशाह, वो वाले का नाम हैरी हैरी, और सानेन का नाम सानेन अल्फाइन मस्तान मस्तान, ब्राउन वाले का कोहिनूर कोहिनूर, और ये वाला हैदर हैदर, और आपका मोहसिन। आपका नाम क्या है? नूरा बाबा आलिम नूर अली शाह। क्या करते हो आप? साईं हो, फकीर। साईं फकीर हो, और यहाँ देवनार से, देवनार में क्या चीज़ लाती है आप? बकरे बेचने आया हो। आप भी बकरे बेचने लाए हो? सस्ता बकरा है क्या? पब्लिक है ना कमेंट में बोलती भाई सस्ता बकरा हो। ये वाले कितना मांग रहे हैं? ये मैं 32 बोल रहा हूँ, 28,000 में दे दोगे? कितने दाम? बिरयानी मटन चिकन है, चिकन बिरयानी कितनी है? 70 रुपये। 70 रुपये एक प्लेट है। बकरे है कुर्बानी लायक। क्या रेट से क्या रेट तक के रखोगे आप? मैं 25 से ले 35 तक, 25,000 से लेके 35,000 के बीच। Hi, welcome to FSA Entertainment. My name is Fahd Zariwala. July 1st के Day 3 व्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुबह मैं गया था देवनार बकरा मंडी, काफ़ी गाड़ी आई है और बहुत क्वालिटी बकरे उतरे हैं। सो आई एम श्योर यू गोना एंजॉय दिस व्लॉग, सिट बैक एंड एंजॉय। और यहाँ देवनार बकरा मंडी, और गुड टू सी कि काफ़ी गाड़ी आई है यहाँ पे, काफ़ी माल उतर रहा है। 11 o'clock इन द मॉर्निंग। हाय वेलकम टू येलो फील्ड्स। धक्का गेट पे हूँ मैं। July 1st 2022। धीरे धीरे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा माल। और एक गाड़ी आई है। यहाँ पर भी काफी बड़े बड़े बकरे हैं। तो बड़े बकरे आज उतर रहे देवनाथ, बड़े बकरे आज उतर रहे। दो गाड़ी तो बड़े बड़े बकरों से भरी है। पप्पू बकरा कियो, ओए आगे जा। कीचड़ में बैठ के आए हैं, पूरे कीचड़ कीचड़ अंदर बारिश हो रही है। पूरे कीचड़ में बैठ के आए बकरे। ये थोड़ा बेटर है। ये ऊपर प्लास्टिक लगा है, नीचे घास है इतनी गिली नहीं। ये तो पूरा कीचड़ है। बहुत ही बुरी तरह से बकरे आए हैं। वेरी बैड, वेरी सैड टू सी दिस। ये बकरे अच्छे साफ सुथरे हैं। भाई ये गाड़ी कहाँ से आई है? अजमेर से। अजमेर से बहुत अच्छे बकरे आए हैं। अजमेरी अच्छे बकरे हैं। ये अजमेर का माल इसमें भी है बड़े बकरे, लेकिन कंडीशन बहुत बुरी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा। माल उतरने से बराबर उनको रंग मारा जाता है इसको आइडेंटिफाई के कौन से रंग। ये जो रंग होता है ये हर गाड़ी भाई साहब, ये जो आप रंग मार रहे हो हर गाड़ी से जो उतरते हैं अलग रंग होता है क्या सभी का सेम? अलग अलग रंग होता है। ओके हाँ हाँ जगह जगह पे अलग। ओके ओके तो इसका मतलब क्या ये ऑरेंज रंग का कहाँ पर जा रहे हैं? बीच में लगाया। ओके बाद में पीछे लगाएगा। अच्छा बाद में आगे लगाएगा, बाद में सर पे लगाएगा। अच्छा तो प्रोसेस है, यानी यहाँ लग गया तो उतर गया है फिर दूसरे बार रंग। मतलब ये गाड़ी का माल अलग रहता। ओके ओके ये गाड़ी का माल अलग है तो अलग ही लगाएगा, दूसरे गाड़ी का माल आई तो अलग ही लगाएगा। ऐसा रहेगा। थैंक यू। सौरे गाड़ी लग रहा है अजमेर से आई है। अजमेर की गाड़ी है, आपका माल है। आप हो क्या गवा लो, आप गवा लो, आप क्या आपका माल है? अच्छा आपका माल है। कितनी गाड़ी उतरी है वैसे तो कल रात से? कितनी गाड़ी उतरी है? अच्छा आप अभी आए हो, इनको पता है। ये ठीक लगता है डबल डेकर नहीं है और डबल डेकर में जब बकरे जंप मारते हैं ऊपर से, वो देखने ही अजीब लगता है। आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। काफ़ी माल आया अजमेर का, बढ़िया माल, बढ़िया माल है। अच्छे बकरे आए, अच्छे बड़े बकरे। ये ऑन एन एवरेज के 70 से 90 किलो के बीच के बकरे हैं। 70-80 किलो नहीं, 100 किलो, 70-90 के बीच में है। जैसे वो एक है पीछे 100 के करीब है, वो बड़ा माल है। और 90 के करीब ये आया घोड़े जैसा बकरा, माशाल्लाह। अच्छे बकरे, बहुत अच्छे बकरे। तो कीचड़ भर के आई है ये गाड़ी और सफाई जोरों शोरों से चालू है यहाँ पर। दिस इज गुड, कीपिंग इट क्लीन। ये गाड़ी तो कीचड़ भर के लाई है, साथ में साथ पीछे करके लाइए गाड़ी, हाँ है ना। गाड़ी का हाल बड़ा बुरा है। जी जी जी, अच्छा काम कर रहे हो आप, थैंक यू। ठीक है, एक और गाड़ी आई है। आप हलते जाओ, माल उतरता जा रहा है। एक और आया, अलवर की गाड़ी है ये, अलवर का माल है। कहाँ की गाड़ी है, कहाँ की गाड़ी है? अलवर। हाँ, ये कहाँ की गाड़ी है भाई साहब, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ की गाड़ी है? ये आगे से आई, कहाँ से आई है? अजमेर अलवर, कहाँ से है, कहाँ से आई है? अजमेर अलवर नहीं, नहीं अलवर, अलवर से आई है। ओके, अच्छा। बीच में ये जो खबरें आ रही है कि काफ़ी लोगों ने रोक दिया था गाड़ियों के बीच में मध्य प्रदेश में, गलत खबर है वो? कोई गाड़ी नहीं रुकी है। आप अलवर से आए हो, क्या नाम है आपका? गौरव। तो गौरव, आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे न्यूज़ में कि देवनार का हाल कैसा है, पानी भरा है क्या नहीं। फिर आप आए होगे ना फोन वोन, तो आपने देखा नहीं कि पानी भरा है, फिर भी आप आए। विश्वास इसको चीज़ हो, हाँ विश्वास एक चीज़ हो जाएगा। मुंबई की बारिश पे भी विश्वास है कि होगी बरस के? हाँ, ये तो पक्का विश्वास है। तो क्या प्रबंध करके लाए हो आप अपनी तरफ से? पैकिंग पैक करोगे, नीचे नीचे बिछाने के लिए कुछ लाए हो? पता होता क्योंकि नीचे आपको जरूरत पड़ेगी शायद। ठीक है, कोई नहीं ऐसे तो कुछ नहीं। कितने किलो का माल लाए हो वैसे? 50-60 या बड़े बकरे भी है? बड़े बकरे भी, बड़े हैं, सवाले हैं। 50 से चालू है 100 तक। ओके, आपको हाँ? दुम्बे भी और दुम्बे भी है, दुम्बे भी है। ओके दुम्बे में ये हाल क्यों? आपकी गाड़ी का पूरा कीचड़ भरा, क्या ऊपर वाला तिरपाल हट गया। वही वही आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बकरी तो फिर बीमार पड़ जाएगी ना ऐसे। नहीं नहीं अब तो करेंगे, तो दवाई लाए हैं टिप्पा। आप दवाई लाए हो, इसको तो बेच दोगे थोड़ी दवा का। इनका ऊपर का ताड़ पत्री ओढ़े हुई वॉलेट प्लास्टिक पड़ गया था, पूरा पानी भर गया है नीचे। कितना दिन लगा वैसे गौरव आने को आपको? दो रात एक दिन। बीच में बकरों को उतारा गया था कहीं खिलाने पिलाने। मुंडा साहब ओके, कहाँ पे स्टॉप लिए थे? मुंडा साहब ओके। ये आप अलवर वाले यहाँ पर आते हैं, दिल्ली में भी मंडी लगती है और भी जगह लगती है, बम्बई क्यों चुनते हो आप? नहीं पसंद ही बम्बई है। प्राइस अच्छा मिलता है आपको? ठीक है, थैंक यू गौरव, थैंक यू। तो ये आए हैं गौरव के अलवर के बकरे। दुम्बे की बात कर रहे थे ऊपर। दुम्बे है। नहीं ये तो दुम्बा नहीं है। अच्छा बोल रहा है मैं तेरे को हमारा तो जैसे हम वहाँ पर देख रहे थे ऑरेंज कलर मार रहे थे उतारते बराबर, इसको ब्लू कलर मारा जा रहा है। भाई आराम से गौरव, मेहंदी का क्या दाम मांग रहे हो आप ये सादे वाले? 35,000 40,000। और जो दुम्बा आपका आ रहा है वो कितने का मिल जाएगा? वो करीब 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। कितने किलो का दुम्बा है ये वाला? ये 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। तुर्की दुम्बा क्या नागौरी? तुर्की क्या दिखता है? देखो वो हार्ट शेप बहुत अच्छा है पीछे का। गौरव, अगर आपके बकरे नहीं बिकते तो आप लेके जाते हो ये गाड़ी रेंट पे ही रखते हो 10 दिन तक के? नहीं, दोबारा मंगा लेते हैं। ओके। हाँ दोबारा मंगा लेते हैं। दोबारा कभी ऐसा हुआ है कि माल ले जाना पड़ा है कि भाई पिछले साल ले गए, बारिश गिर गई तो मजबूरी में भाई कोई भी दाम में बेच के ही जाओगे? हाँ हो जाए, ऐसे भी होता है। कि कितने बकरे लाए वैसे टोटल? अब टोटल 84। कोई टारगेट होगा मेरे को ये दिन तक के बेच के निकलना है कि भाई ईद तक के रुकोगे? हाँ टारगेट तो 7 तारीख का है। 7 तारीख का है, 7 तारीख तक के मोखला होना है। हाँ बोले बेच बाज के निकल दूँ, वहाँ पे ईद मनाओ फिर। हाँ ठीक है। कोई दिक्कत आई आपको आने में? बारिश बहुत गिर रही थी रास्ते में। हाँ चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू गौरव। नंबर देना चाहोगे आपका, किसी को कांटेक्ट करना होगा आपको खरीदने के लिए? हाँ ले लो, क्या नंबर है? 7976882140 7976882140। ठीक है, ये है गौरव के बकरे, अलवर से आए हैं। ऑन एन एवरेज 50 किलो से 70 तक के लग रहे हैं, 100 का तो मुझे कोई दिखा नहीं। गौरव बोलते हैं तो हम मान लेंगे, शायद 30 किलो उड़ गया आते आते वजन में। है बकरे हैं कुर्बानी लायक। क्या रेट से क्या रेट तक के रखोगे आप इसमें? 25 से ले 35 तक, 25,000 से लेके 35,000 के बीच में सस्ते बकरे हैं। ठीक है, तो ये है गौरव के बकरे 25,000 से 35,000 के बीच में। चलिए अंदर चलते हैं। कैमरे पे आने का लोगों को बहुत शौक है। तो धक्का गेट वाला इंडिकेटर है वो ये लोगों ने बंद ही रखा है, तो अगर मुझे इंडिकेटर देखना है तो मुझे काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इमीडिएटली अपडेट होता है जैसे बकरे आए, सो इंडिकेटर विल नॉट डिपिक्ट द राइट पिक्चर। तो ढक्कन गिर गया था नीचे, अभी तक के धोने गए नहीं, प्रॉब्ली गिल वॉश इट लेकर और जस्ट वाइप इट ऑफ। चलिए, गुड टू सी दैट ही इज एट लीस्ट वॉशिंग इट। बहुत डर लगता है भाई यहाँ पर खाने। अब आपके बकरे हैं यहाँ पर, सबसे कम में क्या दाम में मिल जाएंगे? इधर आएंगे, क्या दाम में मिल जाएंगे बकरे कम से कम? लोग कह रहे हैं भाई 10,000 15,000 रुपये के बकरे बताओ, आपके पास मिल जाएगा ऐसा कोई? नहीं, आपके पास कम से कम कौन सा है, क्या दाम का है बकरा? 25,000 से और 80-90 हज़ार तक के। ये सामने जो है ये बकरा, ये नेवाती अलवरी कौन सा है ये सामने ये अंडू जो है ना, हाँ अलवरी है, कौन कितने का मिलेगा? कितना मांग रहे हो? 20-25। इसका कितना मांग रहे हो ये सामने वाले का? हाँ ये हमारा नहीं है। आपका नहीं, आपका कौन सा है? वो जो पीछे बड़ा वाला खड़ा हुआ है उसको कितना मांग रहे हो आप? 70,000। 70,000 रुपये मांग रहे हैं, और आई थिंक दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70-75 किलो का बकरा है। माशाल्लाह, इतना अच्छा दाम आपका? नहीं, ये कुंटल 15 किलो का है, एक कुंटल 15 किलो। आपने अब कांटे पे खड़े किए हो क्या अंदाज़ा? हाँ, घर से तोल के लाया की बात अलग है ना। अब भाई यहाँ तो देख पानी 3 दिन में पानी इतना, मैं वहाँ से लेकर आया। वजन भी उतर जाता है बकरों का। हाँ, तो क्या है अभी कल पानी भरा था आपके बाड़े में? हम भी इतने 3 दिन वहाँ। अच्छा, तो आपने यहाँ पे शिफ्ट किया? शिफ्ट किया है, तो ये यहाँ बेटर है क्या? अभी वेट कर रहे हो बारिश हुई तो पता चलेगा? यहाँ भी सही है, लेकिन अंदर तो पानी भरा हुआ ही है ना। तो आपने अपनी तरफ से क्या प्रबंध किया है कि पानी से बकरों को बचाया जाए? नहीं भाई साहब, अब कोई यहाँ पाबंदी नहीं हो रही है ना, बस अब के लाऊंगा अगले साल, नहीं लाया मंडी में कोई भी नहीं आएगा। अगले साल नहीं लाओगे? क्यों, दुखी यार पब्लिक। तो कहाँ जाओगे आप, कौन सी मंडी में जाओगे? और कौन सी बड़ी मंडी लगती है भारत में? दिल्ली की भी लगे, दिल्ली की और मनमारा जहाँ भी अच्छे आएंगे। दिल्ली में ऐसा दाम नहीं मिलता है ना आपको? मिल जाता है, काफ़ी लगता है, मिल जाता है दाम। अब आधी पब्लिक दिल्ली गई है भैया। अच्छा हाँ, तो बम्बई नहीं आई है ज़्यादा पब्लिक ना? दिल्ली में कहाँ पर? जामा मस्जिद के गाजीपुर, वो कई जगह लगे। अच्छा, छोटी छोटी जगह पे। हाँ। ओके ओके, दिल्ली में एक्चुअली ऐसे बकरे चल जाते हैं बहुत। यहाँ पे क्यूआर स्कैनर वाले एग्जिट कराते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। ऐसे क्या कराते हैं वहाँ? खाली बोलिए, बस हम लोग अपना बकरे एग्जिट कराए, स्कैन कराएंगे बकरे एग्जिट। तो नाम क्या है आपका? हमारा नाम है। तो ये देवनार ने आउटसोर्स किया है कोई कंपनी को? आप आई एम श्योर गवर्नमेंट के लिए तो काम नहीं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ओके, बेसिकली जब बकरा बाहर निकलता है तो क्यूआर स्कैन कोड होता है। क्यूआर कोड स्कैन होता है, क्यूआर कोड स्कैन करे बिना ना कोई भी बकरा बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आपको खबर मिली है कि भाई 1.5-1.5 लाख के बकरे उतरे हैं, यही तो नहीं है? हाँ, हेलो वालेकुम, अलहमदिल्ला। सो देवनार के अंदर आया हूँ और बहुत बड़े बड़े बकरे, एक तो यहाँ पर भराई के बकरे लग रहे हैं मेरे को, ये उतरे, और एक यहाँ पर अंडुल है बड़े बड़े। क्या नाम है आपका वैसे? मोहसिन। मोहसिन के बड़े बकरे होते हैं। मोहसिन, वेयर यू कमिंग फ्रॉम? कहाँ से आ रहे हो? यारी रोड से। अच्छा 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 अच्छा, आप मिले थे मर्ड में, वही सलमान की शूट पे। अच्छा, ये बकरे आपके, बहुत बढ़िया मोहसिन। तो क्या बिके नहीं वहाँ से? भाई वो टाइम में बेचने के लिए निकाला ही नहीं था, पकड़ के रखे हो गए पैसे। नहीं, वो टाइम पे ऐसा था कि देवनार में इंशाल्लाह लेके जाएंगे। जनरली देवनार में लोग अवॉइड करते ना, बोले बाहर से बिक गया तो वेल एंड गुड। भाई बाहर से ऐसा था, लेकिन हम लोग का एक ऐसा शौक का बकरा, आप भी थोड़ा, मैं भी थोड़ा थोड़ा स्केड्यूल डाइट था। तो ये एक बकरा है कोटा, 115 kg, भराई के सेल्फ फीडिंग है, सब सेल्फ फीडिंग के माशाल्लाह। ये है एक, ये है उसकी हाइट 40 हाइट का बकरा है, 110 kg। ये वाला वो अल्पाइन है, 85 kg। ओके, छोटा। और ये वाला 100 kg। ठीक है, नंबर आपका 961-961-5617। और मोहसिन भाई के बगल में जो है भराई का वाला, ओनर नहीं है। तो आप कहाँ के आए हैं? इंदौर के है जी। बड़ी नाइस। जी, ये भराई करते हुए हाँ। बाद में कोई नहीं, आपका ओनर आएगा तब कर लेंगे। कैसा लग रहा है ये बार देवनार में? सेटअप तो अच्छा किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। आप कब आए? कल तो यहीं थे, कल रात हम लोग। आज सुबह में ही थे, आज सुबह में ही आए। कल हम लोग आए थे जगह देखने के लिए, ठीक है, लेकिन वही टाइम हमने देखा कि सब बाजू ज़्यादा वो हो रहा है, सडनली यहाँ का भी सब फिल होना चालू हो गया था। यहाँ के अथॉरिटीज़ ने डिसीजन लेके वहाँ का बंद करके यहाँ पे अलॉट करना चालू कर। बाकी फैसिलिटी वगैरह है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मोबाइल चार्जिंग भी है। यहाँ पे आप देखोगे तो वॉशरूम की दिक्कत हो जाती है, तो फिर घर जाना पड़ता है। आप तो बॉम्बे की है तो आपको घर जाएंगे या तो आस पास में कोई रेस्टोरेंट्स में बाहर जाके लोकल लाइट है उनको दिक्कत हो जाती है, बाहर के उनको दिक्कत हो जाती है। चलिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच। एस में आइए, बड़े बकरे हैं। और आने वाला है माल? हाँ, और आने वाला है। कब आने वाला है? मे बी इन 1 or 2 days। पंजा आने वाले और थोड़े बहुत और कोटा भी। बड़े हैं, बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बकरे हैं। आई लाइक दिस वन, बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है इसका? शहनशाह। इसका नाम शहनशाह, वो वाले का नाम हैरी। और सानेन का नाम? सानेन अल्पाइन मस्तान। ब्राउन वाले का? कोहिनूर। और ये वाला हैदर। और आपका? मोहसिन। और आपका नंबर दोबारा? 961-961-5617। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So before I take exit from Devnar Bakra Mandi, धक्का गेट के बिल्कुल सामने अच्छे बकरे हैं आपके हैं। क्या नाम है आपका सर? रईस। रईस, और कहाँ के रहने वाले हो आप? गोवंडी के। गोवंडी के अच्छे बकरे लाए हो आपने, बताओगे आपके बकरे के दाम भी बता देना अच्छा वाला। रईस भाई ये वाला 52 क्या डिटेल्स है? 80 किलो, 75। ऑनेस्ट बंदा मिला भाई, पहले और रहता तो अंदा सही बताया। ठीक है, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे आपकी कि भाई ईमानदार हो, वरना इसका आप अलवर से आया तो 110 होगा ऐसा। ठीक है, 75 kg का बकरा है, आई थिंक 39 हाइट की होगी। कितने दांत पे है एंड कितना मांग रहे हैं आपने? 52,000। ठीक है, ये वाला ब्लैक वाला 42,000। सस्ता बकरा है क्या? पब्लिक है ना कमेंट में बोलती भाई सस्ता बकरा है। ये वाले कितना मांग रहे हैं? ये मैं 32 बोल रहा हूँ इसको 28-29। 28,000 में दे दोगे? कितने दांत पे है? 4 दांत। और कितने किलो? 60 किलो का होगा, 60-65। ठीक है, और वो कौन सी नस्ल है ये वाली? कौन सा लग रहा है इससे? सोजत में। हाँ, सोजत में क्रॉस है। कितना मांग रहे हो उसका? बहुत खूबसूरत है। कितना मांग रहे हो इसका? 26 बोल रहा हूँ। 26,000 भी कम हो जाएगा भाई, प्राइस अच्छे है आपके। और बच्चे जो है कितने में मिल जाएंगे? 12 या 13। पालने लाएगी या मोटेलिटी का थोड़ा डर रहेगा? वाइट आके बच्चे। ठीक है, ये जो आके खड़ा हुआ है इसके कितना? 55,000। बकरे जो है इनके प्राइस मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपके पीछे खड़ा हुआ है इसका 52,000। अच्छा, आपने ये बाड़ा लिया है अभी, मैं कल देख रहा हूँ, देखा आपके पीछे देख लो पानी भरा हुआ है, तो आपको नहीं फिक्र है कि भाई आपने नहीं बोला था भाई हमें तो राइट वाला ही दो, वो जो एलिवेटेड बाड़े हैं जैसे S5 वगैरह? बहुत बोले भाई नहीं मिला। तो ऐसे कैसे कुछ लोगों को मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है? तो ये तो मेरी बहुत उज्जत भी हुई, तो फिर मेरे फ्रंट का फिर मैंने ले लिया, और रात में इतना पानी भर गया था ये सब बेचारे लेके भी। लेकिन रईस भाई फ्रंट में भी आपको दिक्कत है, देखिए ये बाड़ा भी फ्रंट का ही है। अब क्या होता है, बारिश जब तेज़ होगी बम्बी की, वो बौछारे अंदर आती है तो आपका गीला हो जाएगा। तो ये पैलेट आपने घर से लेके आए, ये काम बहुत अच्छा किया आपने। तो ऐसे नहीं है भाई सारा गवर्नमेंट पे छोड़ दो, खुद तो कुछ करो। खूर वगैरह ख़राब होगी, तो ये है कि आपने हिफाजत से रखा है बकरों को। नंबर क्या है आपका किसी को कॉन्टैक्ट? 929-7575-3 नहीं, वापस से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। 86-929-7575-3 826-929-7575-3 रईस भाई है, और धक्का गेट के बिल्कुल सामने है इनका। ठीक है, दो खसी भी होगी एकदम रीजनेबल। कौन से खसी? अंडों के बीच में ना वो रहने पाए। अच्छा, ये इसका दाम बताओ, इसका क्या दाम है और ये कितने दाम पे होगा? 6 दाम पे। ये आप मंग रहे हो, नेगोशिएबल है ना सारा का प्राइस? नेगोशिएबल हो। आप वैसे भी देवनार में ही लगाते हो मंडी? हाँ, हर साल। नहीं, ऑफ सीजन भी रहती है सैटरडे ट्यूजडे, अदरवाइज करते क्या आप प्रोफेशनली? जॉब करते हो, तो जॉब की छुट्टी 10 दिन। माशाल्लाह, चलिए बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और उतरने वाले आपके जो खसी आप बात कर रहे हो, कितने किलो के और कितने रुपए में दोगे? वो 60-60 किलो के रहेंगे, वो एकदम कम में दे। कितने में? 24-24 में, यानी 400 और 350 के हिसाब से दे दोगे? 350-400 के हिसाब से। तो मैं करता नहीं हुआ जो है, मतलब सामने रहेगा दो खसी। अच्छा, ये जो अभी जितने लोकल मंडियाँ खुल गई, फार्म खुल गए, पिछले 2 साल में ही हुआ ज़्यादा ऐसा? रईस भाई आपके बिजनेस पे अफेक्ट होगा यहाँ पे कि देवनार में पब्लिक आएगी? बोल नहीं सकते ना, बारिश तो बंद ही नहीं हो रही, क्योंकि मैं देखा पब्लिक का रश कम है। रश कम, बहुत ही कम है। बहुत कम है रश, और बारिश भी हो रही है। बारिश, रश, आई थिंक कोविड की वजह से भी लोग थोड़ा हिचकिचाहट है ना, क्योंकि हर एक घर को छूके गया है कोविड, तो थोड़ा डर रहता ही है। मैं भी मास्क लगा के आ रहा हूँ, देखो क्या करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले, क्या नाम है आपका? अबू भाई। नागौर बकरे लाए हो क्या? घूमने आए हो? आपका नाम क्या है? नूरा बाबा। नूरा बाबा, नूर अली शाह। नूर अली शाह, क्या करते हो आप? साईं हूँ, फकीर। साईं फकीर हो। और यहाँ देवनार से, देवनार में क्या चीज़ लाती है? बकरे बेचने आया हूँ। आप भी बकरे बेचने लाए हो? तो क्या चीज़ है आप, आपसे बकरे क्यों लेना चाहिए लोगों को? क्या है आपके पास? तोता बकरी बकरे अच्छे। तोतापुरी। कहाँ के रहने वाले हो? नागौर के। नागौर के? वो इमरान नागौर जहाँ से आते बड़े बड़े बकरे जो आते हैं। मेरा पड़ोसी है। पड़ोसी है? मेरा पड़ोसी है इमरान। ओके भाई, ओके, आना पड़ेगा नागौर से, तो बहुत बड़े बड़े बकरे आते हैं। इंशाल्लाह मेरा पड़ोसी है वो। आप लोगों की हवा परोड़ जाती है, लगता है बकरों को बहुत अच्छे बन के आते हैं माशाल्लाह, है ना? बकरे बहुत अच्छे। अलवर के भी बकरे देखता हूँ मैं, लेकिन जो अजमेर, नागौर, जोधपुर, पिपाड़ के आते हैं वैसे नहीं होते हैं। ठीक है, आप लोगों की बात ही अलग है। राजस्थान, अलवर भी राजस्थान में ही आता है। राजस्थान का ऑर्डर नहीं कर सकता। ठीक है, क्या नाम बताया था आपका? नूर अली शाह बाबा। ठीक है, कहाँ पे, कौन सा वाड़ा मिला है आपको? हमको S1। आप नसीब वाले हो कि आपको उस और का मिला है, क्योंकि इस और तो काफ़ी कीचड़ और पानी है, है ना? आपका लगता औतार देख के आपको बाबा लग, फ़कीर आदमी है, नसीब लिखा के लाए हो आप। ठीक है, चलिए अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं तो आता रहता हूँ, मिलेंगे। कौन सा बताया आपने? S4। ठीक है, आप सब नागौर वाले S4 के हैं। शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुज़ैफा। हुज़ैफा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? पुणे। यू कमिंग फ्रॉम पुणे? बकरे लेने? यस। सैर सपाटे के लिए कि एक्चुअली लेने? एक्चुअली। बट डोंट यू थिंक इट्स लिटिल टू अर्ली, क्योंकि अभी इतने बकरे आए नहीं हैं। yes. आप इनके साथ हो? कैसा लगा आपको मार्केट? मार्केट तो बहुत टाइट है, बट बकरे हैं, जानवर देखने नहीं मिल रहे ना, क्वालिटी वाले। क्वालिटी वाले जानवर नहीं। वो साइड है कुछ वो साइड में है काफ़ी है, लेकिन रेट आप सुनोगे तो तौबा तौबा। बोलेंगे मैं पुणे में अच्छा था, है ना? हाँ, ठीक है, आप आओ। आई थिंक ट्यूसडे तक के लगना चाहिए। यू शुड एक और राउंड मारो ट्यूसडे को इंशाल्लाह, क्योंकि अभी माल बहुत उतरेगा। माल बहुत उतरेगा और उम्मीद करते हैं बारिश ना हो। ठीक है, बारिश से बहुत प्रॉब्लम हो गई। पुणे में भी तो बहुत मंडिया लगती है। पुणे का लगती है, लेकिन इतना घर की मुर्गी दाल बराबर। सबसे बड़े बड़े बकरे तो वहीं से आते हैं। बड़ी मंडी की बात ही अलग होती है। वो बात है, कोंडवा वगैरह में लगती है ना, कौसर बाग वगैरह। कौसर बाग, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आज सुबह भी पानी ही भरा है बाड़े में, लेकिन खाली करा दिया गया है ये बाड़ा। ये सारे बाड़े जो है खाली करा दिए गए हैं और इनको शिफ्ट कर दिया गया है राइट हैंड साइड, वो एस वाले बाड़े। कुछ गाड़ियाँ शुरू में कवर किया, देखो और गाड़ी आ गई। तो बहुत माल उतरा है आज। हाँ, वेलकम टू जी। ये आए हैं मुरादाबाद और संभल से बकरे। तो काफ़ी गाड़ी आई है यूपी से। We hope you like this vlog today. I'm going home. Juma hai aaj. Namaz padh ke inshallah I'll come back either in the evening or at night. Once again, thank you so much. Thank you for watching.